हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सेक्शन ऑन इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। सो आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप शायद उसका टाइटल सुनकर बहुत हैरान ना हो, बिकॉज ये कोई नई बात नहीं है। सो गाइस, आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक्चुअली ये सजेशंस मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे सजेस्ट किए है कि आप हिंदी नॉलेज शो से भी कोई वीडियो लेकर आओ। और एक बहुत ही मतलब आप ये कह सकते हो कि एज अ इंडियन आपको प्राउड होने वाला है। और इसका टाइटल पहले आपको बता देती हूँ, भारत से प्रतिबंध हटाना पड़ा और पाकिस्तान को आखिर में भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। तो ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े? क्या रीजंस थे? पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान के हालात तो आप सभी को पता है कि क्या हालात चल रहे हैं अभी पाकिस्तान में, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो आर्मी है, वो कैसे सिचुएशन को संभाल रहे हैं। तो आई थिंक मुझे इसके बारे में ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के हालात से सभी लोग, पूरी दुनिया वाकिफ है। और टाइम टाइम पर जो लोन्स वगैरह वो लेते हैं, तो उसके बारे में तो सभी को पता ही है। तो देखते हैं ये वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और शेयर करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, इट्स माय न्यू चैनल गाइस, सो डू सपोर्ट। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आने जरूरी है, बिकॉज वीडियोस मिस नहीं होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे नॉलेज से भरे हुए वीडियोस हैं जो आप लोगों तक पहुंचाने हैं और अपने ओपिनियन शेयर करने हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करती हूँ, आपके साथ रिएक्शन चैनल के थ्रू जो वीडियोस देखती हूँ उसके बारे में अपने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करती हूँ, और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे रिप्लाई करते हो। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए गाइस। बिना देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मतलब ही ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, दरअसल आपको याद होगा कि परसों शाम मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त बाढ़ आई है जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग लापता हो चुके हैं और लाखों घर तबाह हो चुके हैं। साथ ही कई लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगह भागना पड़ा है और बहुत ही ज्यादा बुरी तबाही मची है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना कुछ भी नहीं कर रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यहां तक कि आज पाकिस्तान की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये मांग करी है कि जो पाकिस्तान के लोग बाहर रहते हैं, कोई यूरोप में रहता है, अमेरिका, कैनेडा, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों में रहते हैं, आप लोग आगे आइए और पाकिस्तान के लोगों की मदद कीजिए, हमें आप पैसा दीजिए, खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कराइए। ये हालत है पाकिस्तान की। और आपको बता दूं कि इस बाढ़ की वजह से जो खेती बाड़ी थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। खाने पीने की चीज़ों के दाम पिछले 48 घंटों में 2 गुना से लेकर 4 गुना तक बढ़ गए हैं। यानी कि बाढ़ भले ही बलूचिस्तान के एरिया में ज़्यादा आई हो, लेकिन पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार भारत के सामने घुटने टेक ही दिए हैं, अपनी हार मान ली है। दरअसल आपको याद होगा कि जब भारत ने धारा 370 हटाई थी कश्मीर से, तो पाकिस्तान ने तैश में आकर भारत से व्यापार करना बंद कर दिया था। हालांकि इससे भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ, क्योंकि भारत से व्यापार बंद करते ही पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की कमी होने लगी थी जिससे कि उनके दाम बढ़ने लगे थे। लेकिन कश्मीर पर अपनी बौखलाहट निकालने के लिए इनकी सेना सरकार ने यह व्यापार अब तक बंद करके रखा हुआ था। लेकिन अब से कुछ ही मिनटों पहले खबर आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत से व्यापार के रास्ते फिर खोल दिए हैं। और बताया जा रहा है कि इससे पाकिस्तान को 2 बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। पहला फायदा तो ये है कि भारत से जो सामान खरीदेंगे वो इन्हें सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत से पाकिस्तान के बाजारों की जो दूरी है वो बहुत ही कम है, ट्रकों से सामान लाने ले जाने का यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ही कम आता है, इसीलिए सामान सस्ता पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि इस समय पाकिस्तान में खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी है, इन्हें तुरंत बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, रोज़मर्रा के सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है, बराबर में ही है,
तो ऐसे में सामान जल्द से जल्द खरीद कर पाकिस्तान पहुंचाया भी जा सकता है। इसके अलावा एक तीसरा कारण भी है, वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल पाकिस्तान की जो नई सरकार है वो पिछले कई महीनों से चाह रही थी कि उन्हें कोई बहाना मिल जाए भारत के साथ व्यापार खोलने का, क्योंकि अब पाकिस्तान को दुनिया भर में ऐसा कोई देश नहीं मिल रहा जो उन्हें उधार में सामान दे सके। सबसे वो उधार ले चुके हैं और अब उन्हें आगे सामान तभी मिलेगा जब वो पुराना उधार चुकाएंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर वहाँ के जो मिनिस्टर हैं पिछले कुछ महीनों से कह रहे थे अपने लोगों से कि चाय पीनी कम कर दो, कागज का कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल डीजल कम फूको। इसका कारण यही था कि इन्हें ये चीजें मिल नहीं रही थी जिससे पाकिस्तान में इनकी कमी हो रही थी। लेकिन अब जो ये भयानक बाढ़ पाकिस्तान में आई है, इससे सरकार को बहाना मिल चुका है भारत से व्यापार खोलने का। और इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि मतलबी ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत से व्यापार खोल रहे हैं। इसीलिए आप लोग ये मत सोच लेना कि पाकिस्तान की नई सरकार अब भारत के साथ शांति चाहती है, ये कश्मीर के मुद्दे का अंत करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं। ऐसी पाकिस्तान की कोई मंशा नहीं है, ये फिलहाल अपनी हालत दुरुस्त करना चाहते हैं भारत का इस्तेमाल करके। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सो गाइस, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और इन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दूं कि वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको बताए कि इंडिया ना कभी भी किसी भी चीज़ में पहल नहीं करता। और जो आर्टिकल 370 की बात थी तो वो तो हटना ही था किसी ना किसी दिन, तो वो मोदी सरकार के टाइम में हटा 370, आर्टिकल 370, तो इसकी वजह से उन्होंने व्यापार करना बंद किया। और अभी जब उनको काम पड़ रहा है, उनको मतलब उनके देश में ऐसी कंगाली वाली बिल्कुल जो सिचुएशन है वो हो चुकी है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए ही वो भारत के साथ व्यापार करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार करेगा तो फिर भारत को कोई फायदा नहीं होगा या कुछ ऐसा होगा या भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट वही है कि जब ईगो पे बात आती है ना, उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए 370 जब कश्मीर से हटाया और उन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया, अभी उनको ज़रूरत पड़ी तो फिर अभी उन्होंने व्यापार करने के लिए अपने जो ट्रेड के रास्ते हैं वो खोल दिए। तो मुझे ना ये सेल्फिश वाला बिहेवियर पाकिस्तान का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। बाकी हमारी गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो तो हो गई, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज कभी अपने मन से ही सब कुछ अपने मन से कभी भी बंद कर देते हैं, कभी भी अपने मन से ही, मतलब इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, इनकी फॉरेन पॉलिसी ही नहीं समझ में आती। और पता नहीं किन किन देशों से इन्होंने इतनी सारी लोन्स लिए हुए हैं और फ्री में इनको अब कोई देश पता नहीं देगा या नहीं देगा, बिकॉज इतने बार इतने सारे देशों से ये ऑलरेडी ले चुके हैं। तो और फिर ट्रांसपोर्टेशन का आपको खर्चा पता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी और कंट्री से मंगवाते हो कोई सामान, एक्सपोर्ट करते हो तो फिर इंपोर्ट भी करते हो, तो फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आता है ना वो उन चीज़ों की वजह से दाम तो बढ़ते ही हैं। लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान है ना वो बिल्कुल एकदम सटे हुए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा थोड़ा कम आएगा। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि अब इंडिया उसको एक्सपोर्ट करे और इंडिया दोबारा से उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट करे। तो ये जो एक दल बदलू वाला बिहेवियर है ना, ये मेरे को नहीं समझ में आता पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि इंडिया को नहीं करना चाहिए ट्रेड पाकिस्तान के साथ। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आज ना कल, आज या आज नहीं तो कल तो होना ही था ये, तो बाढ़ का एक बहाना मिल गया पाकिस्तान को। चलिए छोड़िए, मिलती हूँ आपसे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। आप लोग अपने सजेशंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही अपने सजेशंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सजेशंस पर जब मैं रिएक्शन देती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग उस पर कमेंट करते हो। तो
धीरे धीरे ना चीजें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है कि कौन सी वीडियोस पे रिएक्शन करना चाहिए और कौन सी वीडियोस को आप लोग देखना पसंद कर रहे हो। तो आप लोग ही मुझे गाइड कर रहे हो एक्चुअली में। ये जो मतलब अभी जहाँ तक भी हूँ मैं इस चैनल के साथ, तो वो आप लोगों की वजह से ही हूँ। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।